पानी गीला क्यों होता है, ये यूपीएससी के एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके पीछे की जो लॉजिक है वो होती है हमारे फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, लेकिन उससे जानने से पहले ये पता करें कि गीला होने का मतलब होता है चिपकना। तो फिजिक्स में जो दो फोर्स है हमारे पास में, कोएसिव और एडहेसिव फोर्स। कोएसिव फोर्स वहां लगते हैं जहां पे मॉलिक्यूल या मैटर सिमिलर होते हैं, जबकि एडहेसिव फोर्सेस वहां लगते हैं जहां पे मॉलिक्यूल और मैटर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मेरे पास में ग्लास ऑफ वाटर है, यहाँ पे ग्लास और वाटर दो डिफरेंट टाइप के मैटर हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स होगा एडहेसिव, लेकिन वाटर वाटर और ग्लास ग्लास के बीच में लगने वाला फोर्स होगा कोएसिव। तो अगर वाटर के पास में कोएसिव फोर्स ज्यादा है तो ये चिपकेगा नहीं, जबकि हमको पता है वाटर चिपकता है, तो इसका मतलब इसके पास में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, यानी वाटर और ग्लास के बिटवीन जो लगने वाला अट्रैक्शन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर वाटर। सिमिलरली मरकरी के अंदर बात करें तो कोएसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए मरकरी आपस में मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, किसी और से चिपकते नहीं है वो। तो कोएसिव फोर्स ज्यादा तो यानी कि वहां पे चिपकेंगे नहीं, और अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा तो वो चिपकेंगे, जैसे कि हमारे फेविकॉल में होता है एडहेसिव मटेरियल।